ये कहाँ घूमने आए हैं? हाँ, क्या चल रहा ना? गाना गाना दिख रहा उसे, ये सुन रहा है। थोड़ा दूर रखो उसे। जो बार्बर था ना, उसको बोल रहे थे, बच्चे की कुछ बात चल रही थी कि बच्चे किससे संभालते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो दिन भर बच्चों के बीच में ही रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि आप देख रहे हो और फिर आपको लगता था अरे यार इसको है तो नहीं है, है तो नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट एक टाइम पे आ गया था कि उन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं, ये चीजें पॉइंट करके बता देता है। मैंने बोला हाँ, तो और उसके बाद फिर आप आ जाओ। वो बोल रहे थे कि ऑटिज्म भी कई प्रकार का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच नहीं किया, तो मैं नूडल्स बना रही थी। शाम के बज रहे हैं एग्जैक्ट 4 और डुगुजिया खा रहे हैं रसगुल्ले। राजा रसगुल्ले लाए थे, उनके रसगुल्ले कोई नहीं खा रहा, पर अब वही खा रहे, तो वो लोग रसगुल्ले खा रहे हैं। डुगु बहुत भाव खा रहा है साथ में। क्या खा रही हो तुम? भैया रसगुल्ला, गुल्ला गुल्ला रसगुल्ला खा रही। खाना खा लिया? चल पापा के पास, दे रहे गुल्ला खाने? दे रहे हो या नंगे दे रहे हो? रसगुल्ला मैं तुम मना करूंगी। डुग और जिया गए हैं घूमने करने पार्क में। मौसम यहाँ पे डेली शाम में इतना प्यारा हो जाता है ना यार, घूमने वाला, पर हम लोग निकल नहीं पाते थे घूमने के लिए। पर वो लोग पार्क गए, तो पार्क वहाँ पे है, उधर पे, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। और मेरा बन गया है पकौड़े खाने और शाम की चाय इन्जॉय करने। और यहाँ पे अभी उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने। बहुत अलग प्रकार के नूडल्स बनाए हैं, इसमें मैंने मूंगफली डाली है। और अच्छा कहते हैं मूंगफली की करी, मैंने बोला नूडल्स मूंगफली डाली है, तो आज कुछ अलग बनाया है। इसमें मैंने सिजवान राइस का मसाला डाला है और मैगी मसाला डाला है, दो चार मसाले मिक्स करके डाले और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो हमारे नूडल्स भी हो गए, सॉस ऊपर से डालते हैं। और फिर ये हमारी चाय है जो कि अब मैं निकाल रही हूँ। ये हमारी शाम की पूजा के लिए मैं हो रही थी रेडी। मैं एक बार पानी डाल के आ गई और ऊपर से, और ये जो है ये है वैष्णो माता की चुन्नी। ये हम लोग वैष्णो माता गए थे 2021 में, तब ये चुन्नी आप लोगों को चढ़ावे में मिलती थी दिव्य प्रभाष में। तो इस सूट की चुन्नी नहीं मिल रही है, तो मैं आज माता वैष्णो की चुन्नी जो है वो यूज़ करती करूँगी। और अब मैं हार ही लगा रही हूँ पूजा के लिए, पूजा करते हैं शाम की। सोने के बच्चे उठ गए थे, सोने के बाद तो बच्चे उठते हैं, तो उन्हें थोड़ा वॉक करने आ गए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा पेट इतना गंदा दुख रहा था। राजू ने बोला थोड़ा वॉक करके देख लो। और ये हमारी जिया बाबू। ओ जिया कहाँ घूमने आए हैं? कहाँ घूमने आए हम लोग? पता नहीं जगह का नाम है। ओ देखो इसको जाइए, कुछ ले
हाँ आराम से बेटा आराम से। ओह धनी जाई, वो गाना चल रहा ना, गाना दिख रहा उसे, ये सुन रहा है। थोड़ा दूर रखो उसे। जी आ जा, आओ आ जाओ। ओ उल्टी भगेगी, वो वहीं जाएगी। जी इधर, वो वहीं जाएगी। हाथ पकड़ के लेके चलो, सुन आ जाओ, रुको। वो वहीं वहीं जाएगी, नहीं तो गाना बजा रही होगी। हाथ पकड़ के लेके आओ, जी आओ। तो जियो जाने से तैयार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं मान रहे, लटकी रहो तो। देखो आपको नहीं करना, अरे एक्सरसाइज करा। एक चाय चोरी बिल्लो, मेरी बिल्लो। ओए छियो छियो, यू 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 तो अच्छे से घूम लिए थे हम लोग। उसके बाद डुगू के बाल कटा लिए, तो यहाँ पे उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रहे थे कॉर्नर से ना, और उससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो मैंने और राजा ने डिसाइड किया कि हम उसके बाल कटा के फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे जिया बहुत ज्यादा ये हो रही थी कि उसे नीचे घूमना था, बट यार वहाँ पे पूरे बाल वाल कुछ कुछ डला रहता, तो मैं उसे बाहर लेके आ गई थी। और यहाँ पे डुगू बहुत ही इजीली अपने बाल, उसे बहुत अच्छा लगता है आजकल बाल कटाना। कहाँ मेरा वो डुगू जो बाल कटाने से इतना डरता था, और अब मेरा ये डुगू। तो यहाँ पे मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, और बच्चों के लिए खाना बन रहा था अलग से, और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी। ये जो है ये मैं ग्रेवी वाले बैंगन बना रही हूँ। इसमें की रेसिपी मुझे बहुत अच्छे से शूट करनी थी, पर बीच में कुछ ऐसा हो गया, मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे प्याज काट लीजिए आप, हरी मिर्ची ले लीजिए, और अदरक लहसुन आपको मसाले मतलब ये चीज़ें लेनी है। और उसके बाद फिर आपको जो मूँगफली रोस्ट करी है ना वो भी लेनी है। और यहाँ पर मैंने नारियल भिगो के रखा हुआ था, आप चाहें तो गीला वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली रोस्ट हो गई थी, और बहुत अच्छे से मुझे लगा था यार अच्छी सी रेसिपी शूट करेंगे, पूरा खाना शूट करेंगे, फिर खाएंगे मस्त, पर कुछ और ही हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैं ये जो भी मसाला है, ये पता है जैसा मसाला बैंगन बनाते हो उसमें मैं पीसने के बाद मसाला भूनती हूँ, इसमें मैं पहले मसाला भूनती हूँ फिर पीसती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी ग्रेवी जो है वो चाहिए होती है, और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सब कुछ डाल लिया है यहाँ पे। अब प्याज को अच्छे से भुनने देंगे, और जब प्याज भुन जाएगी तो हम इसमें मूंगफली डालेंगे। तो यहाँ पे ना जिया डुगू सब बहुत आराम से खेल रहे थे, पता नहीं राजा के मन में क्या आई कि इनको बेडरूम में ले जाते हैं। अब ना इनको बेडरूम में ले गए, अभी वॉइस आएगी, अब मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसका शूट नहीं कर पाई यार। क्या होता है ना, जब भुनी होती है तो वो ऐसे होती है। तो इसमें मैंने बेसिक मसाले डालनी है, जो भी गरम मसाला डाल दिया है, और मैं बाकी के जो मसाले डालती हूँ। तो होनी कुछ इस तरह से आती है कि आप लोगों को लगेगा कि यार सब कुछ तो अच्छा था, फालतू में चले गए। मैं वही राजा से कह रही थी, अच्छे खासे बच्चे खेल रहे थे, तुम चले गए, और यहाँ पे वो मुँह के बल गिर गई है, बहुत गंदा गिर गया। और बात यह है कि पहले बच्चे हेड से गिरते हैं, साइड से गिरते हैं, वो पूरा अपनी जो चिन है ना, चिन एरिया उसकी पूरी बज गई थी नीचे। और अभी आपको एक ऐसी आवाज आएगी, क्योंकि शूट तो करने की हिम्मत नहीं होती है जब चोट वोट लगती है। एक रियल टाइम वर्ल्ड में आप जीते हो ना, तो अगर आपको कोई तकलीफ आई है, यू कांट लाइक उस टाइम पे कैमरा नहीं, आप बता सकते हो, अपडेट दे सकते हो, तबियत खराब है, पर अगर कुछ हुआ है तो मैं आपको अपने घर के सीसीटीवी दिखा सकती हूँ, पर उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, मैं तो उठेगा ही नहीं, मैं इतनी गंदा रो रहा था मेरा बच्चा, अब वह सुनेगा। और राजा पता है बहुत ज्यादा पैनिक करते थे, राजा जिस ढंग से चिल्लाए थे ना, कोई भी इंसान, मेरी खड़े खड़े रसोई में जान निकल गई थी उस टाइम पर, आप खुद ही सुनिए। तो जैसे कि आपने आवाज़ सुनी, और
पता है आपको एक बात बताती हूँ, मेरा ना उस टाइम पे दिल ऐसा लगा, मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हो गया। जिस ढंग से राजा चिल्लाते हैं, राजा पहले भी जब डिग्गू को एक बार चोट लगी थी तो ब्लड आ रहा था, ऐसा चिल्लाया कि मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। मेरे को उस दिन भी ऐसा लगा था कि बस मैं मर गई, मेरे को भगवान कसम ये लगा मैं मर गई। उस टाइम जब आपने आवाज सुनी अब खुद आपका दिल दहल गया, बच्चा गिरा। अलग बात थी, मैं राजा से कह रही थी कि तुम थोड़ा कम चिल्लाया करो। मैं सच में इतना ज्यादा उस टाइम पे रसोई में पैनिक हो गई, जब मैं भगी हूं ना एकदम से, मुझे कोई होश नहीं था, मैं सबको छोड़ के चली गई। जैसे बैंगन थे और मेरी बैंगन की सब्जी भी ऐसी हो गई। बट मैं बताऊं, राजा बहुत ज्यादा पैनिक कर देते हैं यार, बहुत पैनिक कर देते हैं। तो यार मैं अच्छा खासा खाना बना रही थी, जस्ट सब्जी मैं डाल के गई थी, और राजा डुगू और जिया गए बेडरूम में। विद इन 2 to 3 minutes राजा चलाया था, पता नहीं ब्लॉग उस टाइम पे चालू था या नहीं था, रसोई में गए और राजा बैठ के सेट बैठे थे, डुगू बीच में बैठा था, जिया को जिस बेड पे छोड़ा वो भागी ऐसे से करके, और जितनी देर में राजा से पकड़ते शी फेल डाउन, नीचे गिरी मुंह के बल, और इतना गंदा गिरी है वो कि आधा ही घंटा हो गया शाम कराते कराते, रोते रोते सोई है वो भी, और चुप ही नहीं हो रही थी, पता नहीं चला है कैसे। मैं तो बस सब्जी बनाई थी, मुझे बहुत ही दबाव आई, ना 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 ना, नो जियो नो जियो नो जियो, फिर आ रहे इतनी ज़ोर से चिल्लाएं, और उसके बाद इतना रो रही थी इतना रो रही थी, और हर तरह से शांत कराने की कोशिश करी, शांत ही नहीं हो रही थी वो। फिर डुगू कर रहा था बू बू बू, और उसके बाद मतलब उसको थोड़ा बहुत वो कर रहा था, प्यार कर रहा था, जिया सोई है, फिर डुगू खेल रहा और डुगू गिर गया। डुगू पता नहीं कैसे गिर जाता है, मेरा चलते चलते अपने आप थाड़ से गिर गया वो, और वो गिरा है, फिर वो रोया, उसे शांत कराया, फिर वो सोया। और उससे पहले जब लेटे थे, जब शांत कराए थे, उसे रो रहा था तो मेरे मुंह पे आके गिर गया, तो मुझे यहाँ पे लग गया, मेरे दांत लग गया मेरे होठ पे, तो मुझे यहाँ पे स्वेलिंग सी हो गई, तो लगातार चीज़ें हो गई। और थर्सडे आने वाला मेरे लिए थर्सडे, तो पिछली बार भी थर्सडे ऐसा हुआ था कि डुगू गिरा था फिर जिया गिरी थी, आज जिया बेड से सीधी मुँह के बल। अभी 2 दिन पहले सर के बल गिरी थी जब उनकी नैनी देख रही थी। और समझ पता क्या होता है, कई बार टाइम नहीं मिलता है पकड़ने का, और डुगू को तो फिर भी राजा पकड़ लेते हैं क्योंकि हाइटेड है डुगू राजा, खड़े हैं तो जिया मैक्सिमम टाइम राजा पकड़ ही नहीं पाते उसे, पर अभी फ़िलहाल वो बेड से गिरी है, तो ये है कि मेरे को सुबह देखना पड़ेगा, तो स्वेलिंग तो नहीं आई है। राजा कह रहे थे सर पे नहीं लगी है, वो ऐसे सीधा बेड से जाके ऐसे गई है। तो खाने पीने का प्लान ऑलरेडी लेट हो गया, मैं अच्छी खासी ट्रैफिक में शूट कर रही थी, पता नहीं इनका मन कहाँ से कर गया कि तुम बेडरूम में चले गए। इतना परेशान होती है ना चीजें, तो वो कुछ भी होके हो जाए, और उसके जस्ट बाद डुगू और फिर मेरे पर वो। तो मैं आटा लगा रही थी, मैं थोड़ा राजा से गुस्सा थी इस टाइम, मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा था उन पर। मैं कह रही थी कि तुम्हें इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि होता है यार मम्मी पापा भी नीचे हैं, उन्हें लगता है कि क्या हो गया। एक दिन राजा की आँख में मसाला चला गया, राजा ऐसे चिल्लाए और मम्मी पापा को लगा कि डुगू की आँख पलट गई। राजा की बचपन में आँख पलटती थी, उन्हें एपिलेसिस होता ना वो कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको ऊपर भगे भगे आए थे। मम्मी बोली थी मुझे सांस नहीं, मैं डर गई। पता है राजा बहुत ज़्यादा बहुत तेज रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का। जी तो मैं आगे अपनी फेवरेट जगह पे, ये है बेडरूम वो वाला जिसमें इत्मीनान से बैठ के बात कर पाती हूँ, क्योंकि उस बेडरूम में भी बच्चे सो रहे हैं। तो आज हम लोग गए थे डुगू के बाल कटवाने। तो एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, आई थिंक ये चीज़ की काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। डुगू के साथ एक दिक्कत हुई है, और डुगू के साथ वो दिक्कत हुई है स्पीच डिले की। स्पीच उसकी डिले है, और वो एक टाइम तक डिले नहीं थी, और जब जिया हुई उसके बाद से वो स्पीच मतलब वो जितना बोल वो बहुत बोलता था, बहुत वो सारे वर्ड रिपीट करता था। 1-1.5 साल का था जब वो, 1 साल से रिपीट करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि डुगू कभी बोलता नहीं था, तो बहुत सारे डाउट्स आते थे हम लोगों के दिमाग में। अगर आ तो बहुत सारे डाउट आते थे हम लोगों के मन में। अब डाउट कैसे आते थे बताती हूँ। कुछ लोग कमेंट करते थे और कहते थे डुगू के लिए ऑटिज्म, ठीक है एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को मेरे फ़ोन में एक और चीज़ देखनी है। किसी ने ये किया था कि डुगू की आंखों से कुछ पता चलता है, और आई डोंट नो वो ऑटिज्म का नहीं था, वो कुछ और था कि आई डोंट नो यार, वो कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं, पर मैंने उनसे रिप्लाई लिया था उसका।
आई थिंक उन्हें ऐसा कुछ लगा कि वो फिट्स, उनके बच्चे को बोली थी उसे फिट्स आते, तो वो इंटरनली फिट्स आते थे दिमाग में और पता नहीं चलता था। फिर एक बार पता चला तो बहुत आगे चला गया था केस ऐसा कुछ। तो डुगू के साथ ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है। और क्या हुआ, जब मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया, कुछ ही लोग थे वो, कि डुगू को ना ऑटिज्म, क्योंकि वो एक चीज़ रेगुलर करता था एंड स्टिल करता है, वो है हैंड क्लैपिंग। आज हम एक ऐसे इंसान से मिले हैं जिनने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए और कहते हैं, हम लोग पता बहुत उसमें थे, तो हम लोग गए वहाँ पे, एक डॉक्टर थे जो अपनी शेविंग करवा रहे थे और बाल कटवा रहे थे। आई डोंट नो राधा की कैसे बात हुई, अब राधा ही बता सकता है। राधा, बात कैसे हुई थी उनसे? मेरी बात है, मैं डुगू में जिया के साथ बाहर थी, वो जो बार्बर था ना उसको बोल रहे थे, बच्चे की कुछ बात चल रही थी कि बच्चे किससे संभालते, तो उन्होंने बोला कि हम तो दिन भर बच्चों के बीच में ही रहते हैं। वो उसी स्पीच तो बताया कि एक तो चौक पे हमारा अपना सेंटर है, क्लिनिक है और ये वो। तो फिर मैंने अपना आगे कंटिन्यू करी बात। हाँ, क्योंकि क्या था, हमें थोड़ा डाउट आ गया था हैंड फ्लैपिंग के कारण, सिर्फ एक कारण था, हैंड फ्लैपिंग और स्पीच डिले। तो जब अगर आप कुछ देखते हो ना, तो रेगुलर फेसबुक पे हम लोगों की फेसबुक की स्टोरी, मेरी स्पेशली, इंस्टाग्राम की स्टोरी और यूट्यूब की स्टोरीज में वही चलता रहता था, बच्चों का ये, बच्चों का वो, ऑटिज्म के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि आप देख रहे हो और फिर आपको लगता था अरे यार इसको है तो नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट एक टाइम पे आ गया था कि डुगू को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेरे कमेंट भी आ रहे थे। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो उन्हें सीधा सीधा ये बोला कि क्या करता है, ये हैंड टैपिंग करता है। मैंने एकदम क्लियर कट बोला हाँ करता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं, ये चीज़ें पॉइंट करके बता देता है? मैंने बोला हाँ, तो वो हुआ, तो पॉइंट करता है तो सही है, मतलब अगर पॉइंट भी नहीं करता, बोलते सोशल नहीं है। मैंने बोला सोशल, बहुत सोशल है, अगर वो बाहर चला गया है तो वो सबके साथ इतना सोशल है कि उन्हें माँ बाप को भूल जाता है, वो इतना सोशल हो जाता है कि भूल जाता है कि हम लोग भी हैं वहाँ पे, वो सिर्फ उन लोगों के साथ ही खेल रहा है, कूद रहा है, सब लोगों से मिल रहा है, सोशल है। उसके बाद फिर उन्हें क्या पूछा था राजा, क्या पूछा था? मेमोरी पूछी थी क्या? हाँ, मेमोरी पूछी थी। फिर मेमोरी का हमने बताया कि अगर उसने 4 दिन पहले कोई चीज छुपाई है और हम उसे 4 दिन बाद भी पूछेंगे तो वो बता देता है। हाँ, फिर उन्हें बोला खाना, जगह की भी याद रहती, होटल से याद, होटल से याद रहते हैं, सब कुछ याद रहता है उसके, तो वो सीधा हंसने लगता है, उसे जानना होता है तो पॉइंट करता है, सब करता है। फिर मैंने उनसे सीधा बोला कि आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि आप एक IQ टेस्ट होता है बच्चों का, वो करा लो और उसके बाद फिर आप आ जाओ। वो बोल रहे थे कि ऑटिज्म भी कई प्रकार का होता है, बट इस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि वो ऑटिज्म के ही सारे बच्चे ऑटिज्म के आते हैं और स्पीच डिले के आते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है क्या? तो डुगू का स्क्रीन टाइम एज सच ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर हम कहीं चले गए पूरे दिन के लिए तो पूरा दिन फ़ोन नहीं देखेगा, वो खेलता रहेगा, उसको खेलना ज़्यादा पसंद है। खाना खाते टाइम थोड़ा मुझे उससे एक जगह बिठाने के लिए स्क्रीन देनी पड़ती, अदरवाइज वो पूरे दिन खेलता रहता है। मैंने बोला कि हाँ, पर जितनी नहीं थी थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमें ये सेकेंड बेबी हुआ तो थोड़ा ध्यान वापस शिफ्ट हुआ और डुगू जितना बोलता था उतना नहीं बोलता। उन्होंने बोला कई बार फैमिली में लोग भी इतने रहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा उसके कारण भी डिले कर जाता है। और क्या बोलते हैं, स्क्रीन टाइम, अगर बहुत स्क्रीन टाइम है बच्चे का तो भी वो बोलने में बहुत लेट कर जाएगा। तो हमने बोला कि स्क्रीन टाइम अगर ऐसा है तो 4 घंटे भी वो स्क्रीन टाइम ले लेगा अगर फ़ोन दे दो तो उसे, और नहीं दो तो वो पूरे दिन स्क्रीन टाइम ले लेगा। वो मांगता नहीं है फ़ोन, बहुत रेयर कभी खाना वाना खा रहा है तो कोको, या हम लोग फ़ोन देख रहे हैं तो वो अपना कोको मेलन, उसे कोको मेलन देखना तो वो कोको बोलता है। तो मैंने उनसे ये बोला कि जब वो पैदा हुआ था, मतलब पैदा हुआ, जब वो बड़ा हुआ, लाइक 1-1.5 साल का था जब जिया नहीं हुई थी, उस टाइम तक वो दीदी, आंटी, चाची, बुआ, आप लोगों ने खुद देखा होगा यार, बुलवाते थे, सब बुलवाते थे। वो साथ साथ बोलता था नाना, अप डाउन, मैं पैर पर खड़े करती थी, वो सब करता था। स्टिल भी अभी भी वो चीज़ें अप डाउन वगैरह करता है, बट उसने वर्ड्स पूछे तो मैंने बोला वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 बोलता होगा, जो कि उसे 100-200 के अराउंड बोलने चाहिए। मैंने बोला सेंटेंस कंबाइन, लाइक वर्ड्स कंबाइन नहीं करता है वो,
बोलता जाता है, और आज ऐसा हुआ था कि वो पूरा वर्ड बोला था। हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बालकनी में थे और उससे मैंने खाना बोला तो मुझे नहीं चाहिए, उसने ऐसा एकदम फटाफट बोला वो मुझे नहीं चाहिए। और एक दिन ब्लॉग में वो पूरा एक इंग्लिश सेंटेंस बोला था, और वो ब्लॉग में तो मैं दिखाया था, वो आई थिंक वो अगर सब्सक्राइबर होंगी तो बोली, वो पता बोलता है बट वो कभी हमें समझ में नहीं आता कि वो बोल के, मेरे को लगता है वो ऐसे ही बोल रहा है, बट अगर आप बहुत क्लियरली उस ब्लॉग में एकदम क्लियर उसकी वो आई थी, तो मैंने बोला बोलता था ये और अभी भी खाना मांग लेता है, खाना ठीक है, पानी मांग लेता है, पानी जैसे उसे मांगना है वो पानी मांग लेता है, पापा मम्मी को मना लेता है, और अगर घूमने जाना है तो सब कुछ कर लेता है वो। मतलब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती उसके साथ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोगों का टेंशन ये होती है कि हम लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ वहाँ ये होता है, अरे कितने साल का हो गया, क्योंकि डुग्गू थोड़ा सा एज में बड़ा लगता है उसकी हाइट हेल्थ के कारण, तो उन लोगों को लगता है एक तो छोटा बच्चा आपका चल रहा है या बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इंसान सोचता है कि वो 4-5 साल का है ना, और बोल नहीं रहा है। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो नहीं है ये, पर एक IQ टेस्ट करा लो और बहुत जल्दी कवर करेगा, क्योंकि उनको वो बाय करके आया, उनको दो तीन चीज़ें करके आया है ना उनके साथ, क्योंकि उनने एक बार थोड़ा टेस्ट भी अपने पास से लेना शुरू की कोशिश करी कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो बहुत पहले डुग्गू क्या होता था, जब पार्लर जाता था तो बहुत रोता था कि कोई उसे टच कर रहा, तो मेरे पास तब भी आते थे किसी को टच कर रहा है तो इसे ना ऑटिज्म है, टच कर रहा है। मैंने एक चीज़ और देखी कि बच्चा अगर बचपन में नहाता, देखिए बहुत चीज़ होती है, बचपन में नहाते टाइम रो रहा है, जैसे जिया की एज का, जिया रोती है नहाते हुए, तो उसे भी ऑटिज्म है। तो वो थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, पर कई बार हर पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर आप के बच्चे को अगर है भी, उसमें भी कई तरह के आते हैं, सीवियर होता है, लाइक स्टेजेस आते हैं, स्टार्टिंग के रिकवर हो जाते हैं, और अगर क्या बोलते हैं, बच्चे की स्पीच डिले है ना, तो भी आपको लगेगा या बोला जाएगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। मेरे माँ बाप नहीं जानते होंगे, राजा के माँ बाप नहीं जानते होंगे ऑटिज्म क्या होता है, मेरे को लगता नहीं जानते होंगे वो, तो वो चीज़ें थोड़ी समझ में, बस उनको ये लगता है कि इसमें जो सासू माँ वो बोली थी, इसकी ना जीव तलुआ बंधा हुआ है या तालुआ बंधा हुआ है, बोलता है तो मैंने बोला ये तो कई बार घुमा के जीव बात करता है, तो टंग टाई बोलते हो, तो टंग टाई, मैंने बोला वो नहीं है इसको, मैंने बोला ये बोलना नहीं चाहता। अब पता आपको मैम डुग्गू क्या करता है, मैं एकदम क्लियर कट बताती हूँ, डुग्गू सिर्फ मनमौजी है, वो करता है जो उसे करना है, अगर उसे आइसक्रीम चाहिए ना तो वो आइसक्रीम बोल देगा, अगर आप कल का ब्लॉग देखेंगे ना तो आइसक्रीम बोल रहा था, ठीक है ना। उसके साथ ये है कि उसको जितनी बोलने से मतलब है ना, जितना उसे समझाना है उससे ज़्यादा वो बोलेगा ही नहीं। जियो का कोई, जियो का वाइप्स से लेके सब कुछ, जिया का सारा काम करता है, वाइप्स मंगाऊंगी मैं, मम्मी सैंडल मंगाती हूँ, मैंने बोला सारे काम, मैं सैंडल मंगाती हूँ, इसकी वाइप्स मंगवाती हूँ, उसका डायपर मंगवाती हूँ, उसे पता है कि उसका डायपर कौन सा है, जिया का डायपर कौन सा है, जिया के कपड़े ला के देगा, जिया का पूरा काम कर देगा डुग्गू। मैंने बोला वैसे मुझे ना समझ नहीं आती कि ऐसा कुछ है, पर अगर हम वीडियो देख लेते हैं, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं कमेंट का तो नहीं बता दी क्योंकि मेरे को उनको क्या पता कि मेरा क्या चैनल बना। मैं बोला अगर वीडियो देख लेते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती है कि यार हाँ, मेरे को एक टाइम में ना थोड़ा लगने लगा था, और ये बात मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, इवन हम लोग एज अ पेरेंट डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे थे ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि यार लोग क्या सोचेंगे, पर लोगों के उससे कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं अब ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे जैसे जिनका बच्चे का स्पीच डिले हुआ है, क्योंकि सेकंड बच्चा का जल्दी आ गया तो हमने स्क्रीन टाइम दे दिया है। अब जैसे सेकंड बच्चा है वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख रहा है, डुग्गू जैसे अभी कुछ भी करता है तो वो हाथ के हाथ सेम चीज़ सीख लेती है, जिया बहुत फास्ट है, मम्मी पापा पेन पकड़ना सीख गई वो अभी से कलर करना सीख गई, वो बहुत सारी चीज़ें सीख गई है ना, तो बच्चा उसे सीख रहा है, और डुग्गू मेरा छोटा होता जा रहा है, जिया अगर जीभ निकाल के करती है तो वो वही करता है, जिया पापा बोलेगी तो वो पापा बोलेगा, मम्मिया बोलेगा तो मम्मी बोलेगा, तो डुग्गू एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बोलता है, और वो एक कॉर्नर में बैठता है शांत रहता है। मैंने बोला शांत कॉर्नर, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला हाँ वो अटेंटिव नहीं है, उसे पूरा टाइम खेलते रहना है, भागते रहना है, दौड़ते रहना है। उन्होंने यही बोला मुझसे जब बच्चों को देख लिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ नहीं, इसको स्पीच डिले है, और वो भी बहुत जल्दी रिकवर लाइक कवर कर लेगा, ये जल्दी कवर कर लेगा, तो हम लोग नहीं, मैं सोच रही हूँ थेरेपी करा देती हूँ, तो यहीं पे है, 2 घंटे की क्लास है, पहले मैं सोच रही हूँ इसका IQ टेस्ट करा देती हूँ, और उसके बाद वो बोलते हैं वो IQ टेस्ट कराओ तो और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 घंटे की वो कह रहे थे
तो 2 घंटे की क्लास के लिए डेली, कभी राजा, कभी मैं, कभी मम्मी, कभी पापा, मम्मी पापा जी। तो वो तो काफ़ी लग रहा था, मेरे को पता इस चीज़ का था, मेरे को लग रहा था कि इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँ या नहीं करूँ, और अगर बहुत हेल्पफुल रहेगी, पता एकदम से किसी कंक्लूजन मत पहुंचो। पता है माँ बाप डर जाते, मैं एक टाइम पे थी, मैं बताऊँ कब डरी हुई थी, जब जिया की तबीयत खराब थी ना, उस टाइम मेरे को लगता था कि यार अभी जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मेरे को लगता था कि कुछ क्या हो गया है, पर डुगू उस टाइम में बहुत सोशल था, मेरे को ये लगता था बात नहीं कर रहा है, और डुगू का एक एक्शन जो ये था और वो फिर और डरा देता था कि वो अब कम हो गया, अब वो बहुत कम, अब नहीं करता, वो बहुत रेयर, अगर वो बहुत एक्साइटेड है ना तो करता, क्या होता है वो अपनी चीजों को, वो बोल रहे थे अपनी चीजों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वर्ड्स के थ्रू, तो वो ये करके उस चीज को जाहिर कर रहा है। बट उन्होंने कहा कि अगर 10 चीजें देख रहे हो उसमें अगर आपको एक चीज या 2 चीज उस तरफ लेके जा रही है तो उन 8 चीजों को भी देखो। तो ये है, तो अगर मुझे बहुत पहले से देखते तो हमने देखा होगा डुगू काफी बोलता था, काफी आई थिंक मेरा रीड ये क्या है, पहले वर्ड्स भी कंबाइन करता था, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरा छोटा बच्चा बड़ा होता जा रहा है और बड़ा बच्चा मेरा क्रॉलिंग करता है उसको कॉपी करता है, काफी आते थे मेरे पास उस टाइम पे, और बीच बीच में एक दो लोग है जो काफी ज्यादा बुली करते हैं सब चीजों के लिए, और अगर होता भी है यार तो वो चीजें एक टाइम के बाद हो जाती है सही है ना, बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ती है। बट डुगू इज लाइक वेरी एक्टिव, वेरी सोशल, वेरी फ्रैंक, और कहीं भी ले जाओ उसको कोई वो नहीं है, सबसे आराम से मिल लेगा, कहीं वो नहीं। बीच में हुआ था डुगू छुप जाता था, याद है मतलब कुछ चीजें हुई थी बीच में, बट वो चीजें एकदम सब गायब हो गई। बस ये है, अब स्पीच डिले है तो कराते हैं, है ना, 3 साल का होने वाला है वो अभी आज से 3 महीने बाद, तो बस ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे यार इस चीज़ को लेके, पर आज मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ में हूँ। रिलीफ जैसे ही मिली, अपना फेवरेट खाना बना रही थी और बच्चों को चोट लग गई, मैं को लग रहा था कि कुछ थर्सडे आ रहा है, हम लोग का थर्सडे दिक्कत है ना, वहाँ का तीनों को हो गया है, मेरा बच्चा है। ए बकवास करा मत करो, अरे मतलब बता रहा, थर्सडे मेरा भारी रहता है ना, करा करो भाई तुम, हो तो गया और कितना होगा, तो यह हुआ है। तो चलिए यार, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, एक IQ टेस्ट होता है वो करा लो, उसके बाद फिर एक बार थेरेपी, जो वो ऑटिज्म वालों को भी देखते हैं, बोलते हम सीवियर केसेस भी देखते हैं, हम एकदम स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होते हैं वो भी देखते हैं, और स्पीच डिले भी देखते हैं, हर तरह के वो होते हैं बच्चे, कुछ बहुत जल्दी कवर करते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो बस ये है। मेरे को पता है डुगू सही है, और जो मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए उन्हें पता है कि डुगू एक टाइम तक बहुत बोलता था, तो आजकल आपको पता है डुगू को मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग में कवर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने ब्लॉक कर दिया वैसे काफ़ी लोगों को, जो डुगू से पता नहीं पर्सनली ऐसा लगता है तो डुगू ने उनका क्या कर दिया हो जाके, है ना, कि डुगू के खाने से, डुगू के पीने से, डुगू के वेट से, डुगू की हर चीज़ से प्रॉब्लम होती, पर मैंने जेलस डुगू से, आप अच्छे से मुझसे हो जाओ, दुखों से क्यों, जिया से क्यों, है ना। चलिए मैं करिए आप इस वीडियो को एंड, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।